जानेवारी शासन निर्णयानुसार ध्वजारोहण करण्यापूर्वी आपण सर्वजण संविधान वाचन करत आहोत, त्यासाठी हॅलो आम्ही भारताचे एक समाजवादी लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक विश्वास श्रद्धा उपासना यांची स्वतंत्र दर्जेची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुत्वता प्रदावित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر مشتے ہوئے جناب فروزہ کریں گے ہم पूछते हुए चराग परोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। आज जलसे के सदर इज्जत इमाम जनाब जाकिर पटेल सर का इस्तेमाल करेंगे दाभाड़े सर। जाकिर पटेल मैडम का इस्तेमाल करेंगे नसीम मैडम। अजीज पटेल का इस्तेमाल करेंगे पठान सर। आसिफ उस्मान पटेल का इस्तेमाल करेंगे सुरेश सर। लगाते रहेंगे घर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। मुश्ताक उस्मान पटेल का इस्तेमाल करेंगे नजम सर। या पावन सोहळ्याच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री जाकिर पटेल, सलमा मॅडम,
लाभलेले प्रमुख पाहुणे श्री जावेद पटेल यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि माझे दोन शब्द हॅलो। आज आपण जो प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत या दिवसाचा महत्व म्हणजे असा आहे की आपला जरी भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 जरी स्वतंत्र झाला असला परंतु त्यावेळी आपल्या भारतात स्वतःचे संविधान नव्हते आणि त्यामुळे म्हणूनच याची जबाबदारी मंत्रिमंडळाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली आणि भारताचे संविधान आपल्याला 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारले। परंतु त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी हे संविधान आपल्याला अंमलात आले। तर ह्या संविधानाला लिहिण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबरोबर 8 सदस्य यांना 2 वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवस इतका अवधी लागला। हे भारताचे जे संविधान आहे हे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे सर्वात मोठी लोकशाही असलेलं भारताचे सर्वश्रेष्ठ संविधान मानले जाते। आपले जे संविधान आहे आपले राष्ट्र सार्वभौमत्व प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले आणि त्यामुळेच हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून संपूर्ण देशात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तले हम लोग जहां पर, इसके तले हम लोग यहां पर रहते हैं आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलव दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। ओ, कैसे भुला पाएंगी उनको उनकी ही औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग यहाँ पर लाई है, आजादी ये दिलाई है। टीपू जफर अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पर लाई है, आजादी ये दिलाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई है, जीत हम ही ने पाई है। हम हैं मुसलमान हो पे वतन से, हम हैं मुसलमान हो पे वतन से, दिल है ये आबाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, 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 तिरंगा जिंदाबाद। सामने बहुत अच्छे नाम मिले इस पे मैं उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अरे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की मेहनतों का बयान। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की मेहनतों का बयान। ए बहारे चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। जिंदा पंजाब है रिफातों के कुशां,
शाह जिंदा पंजाब है रिफातों के खुशा अरवरा के हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारे आजाद भारत का कोई अपना कानून न था। इस कमी को पूरा करने और दस्तूर को मुकम्मल करने के लिए दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी गई। हमारे मुल्क का कानून 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था, मगर इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। अपनी खदरदानी को इस तरह न छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। शुक्रिया। इट इज माय प्रिविलेज टुडे टू स्पीक टू योर टॉपिक दैट इज डियर टू माय हार्ट। व्हाट कैन आई डू फॉर इंडिया? आई हैव ऑफ्टन थॉट्स अबाउट दिस क्वेश्चन एंड हैव ट्राइड टू फाइंड द आंसर इन मेनी वेज। व्हेन वी जॉइन द रोटरी club and we arranged a free eye checking camp for the poor of our locality, I got part of the answer when I assisted the students of the junior college in their adult education shibir. Again I got part of the answer. In fact, when you come to think at it, there are so many things that we as students can do to make this country a better place. That medical care and education reach those who do not have access to them. If we as a student can do our little bit in these two fields. Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina al-sirat al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پیارا نبی ہمارا انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا اللہ کا دلارا بندہ کو جب بلایا خدا کے ایک در जख्मी हुआ बदन भी खाई है चोट सर पर अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा अनवार का मनारा ए खुदा जिस बनाए जातारे फूल खिलाए प्यारे प्यारे जिसने हमें ईमान दिया है हम पे बड़ा एहसान किया है फिक्र है कुछ ना किसी का कम है हम पे खुदाई का ये करम है आओ आओ सर को झुकाए ये तो खुदा की हमद दिखाए जिसने इस दुनिया को बनाया और हमें फिर उसमें बसाया। माननीय वैश्विक एकता बहुत देशीय विकास संस्था के सभी शिक्षक और कर्मचारी वर्ग, यहाँ जो विद्यार्थी है उनके पालक आए हुए सभी मेहमान खुशी, मैं संस्था की ओर से सबका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी 2020 पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 26 जनवरी प्रजासत्ताक जो दिन है ये सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के ऊपर माननीय राष्ट्रपति इनके ओर से जितने हुतात्मा हो गए सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पण किया जाती है और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम वहाँ पे शुरू होता है और पूरे दुनिया के अंदर भारत की एक ताकत आज बताई जाती है कि हम कितने पावरफुल देश हैं। और इस पावरफुल जो देश बना है इसके पीछे कहीं हुतात्मा और कहीं राष्ट्रीय नेता का बलिदान है। इसके अंदर जो है तो जो संविधान आज पारित हुआ है, यहाँ से 26 जनवरी से जो संविधान अमल में आया है,
इसको बनाने के लिए एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष के अंदर एक समिति गठित की गई थी और वो समिति में 299 सभासद थे जिन्होंने कहीं मैंने ये राज्य ये आज की घटना लिखा है और ये घटना 26 जनवरी से अमल में आई है। इसलिए पूरे देश के अंदर आज पूरे जोश और जल्लोष से 26 जनवरी मनाया जाता है। मेरे सभी दोस्तों भाइयों, ये जो 26 जनवरी जो प्रजासत्ताक दिन जो माना जाता है, ये एक संविधान के ऊपर मनाया जाता है और आज देश के हालात आप देख रहे हैं, जिस संविधान को कई महीने 299 लोगों ने जो बनाया है और इसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिखा है, ये पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी संविधान है। लेकिन आज इस संविधान को किस नजर से इस देश में देखा जा रहा है और क्या तहलका मचाया हुआ है देश के अंदर संविधान को लेके। इस संविधान बचाने के लिए हर इंसान ने 26 जनवरी अपनी ओर से मनाना चाहिए और संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान जानना चाहिए, संविधान के अंदर क्या है और क्या उसका अमल करना चाहिए। ये अगर सब लोग इसको जानेंगे तो संविधान बचाने के लिए सब एक साथ खड़े रहेंगे और इसके साथ साथ में देश को एक शांति, एक अमन और अमन पसंद देश बनाने के लिए ये संविधान बहुत जरूरी है और इसके पीछे बहुत हुतात्मा और बहुत लोगों की कुर्बानियां गई है और इसी के लिए आज ये 26 जनवरी मनाया जाता है। मैं सभी से इस कार्यक्रम में सभी गेस्ट आए, हमारे प्रेस वाले जावेद भैया है, हमारे सभी डायरेक्टर्स वगैरह ने अपना टाइम देके ये प्रोग्राम सफल करने की कोशिश की। हमारे जो टीचर्स इधर सुधाकर मैडम, इनके तरफ से जो है तो बच्चों को कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। ये मैं यहाँ आए हुए गेस्ट से रिक्वेस्ट कर पाऊँ कि वो ये गिफ्ट वाटअप करे। बोल सुमार गिफ्ट वाटर कर का नाम मका मेरा सगा।